बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? एरी से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज वालों की, इसलिए कि एरीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर और सन है। ये वीक नो डाउट एरीज वालों के लिए मज़ीद बेहतर ही साबित होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं तो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में शर्फ शम्स होने की वजह से आपके हर ज़ाती मामलों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। फुल मून आपके जायचे के 7th हाउस में होना है तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जज्बाती होने से बचिएगा। अलबत्ता माली हवाले से, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के माली हवाले से आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए अपने माली मामलात में बेहतरी लाने के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको अपने घरेलू मामलात में और ख़ास तौर पर अगर कोई ज़मीन का तकाजा चल रहा है, कोई मामला ख़राब है, तो बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है। जो एरीज़ अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए इस वीक के अंदर बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब्रॉड के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस वीक के अंदर किसी की कोई गारंटी ना दीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इसलिए कि जायचे के 7th हाउस में फुल मून होना है। मून का जायचे के 7th हाउस में आना और यहाँ पर फुल मून होने की वजह से अगर आपने किसी की कोई गारंटी दी तो आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। टॉरस, टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है, मरकरी है और यूरेनस है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं तो ये वीक आप लोगों के लिए हर ज़ाती मामलात में बेहतर तो साबित होगा, ख़ास तौर पर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर आपके जायचे के 6th हाउस में फुल मून 6 अप्रैल को होना है, वो आप लोगों के लिए काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से तो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक टॉरस होंगे उनको अपने पेट का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, अपने हाजमे का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आपने ज़रा सी भी कोताही की तो आप लोगों के लिए सेहत के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अलबत्ता आपके जायचे के 7th हाउस में ही कमरदर अकरब 7 अप्रैल से शुरू होगा और 9 अप्रैल को कमरदर अकरब ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो 2-2.5 दिन हैं आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। वैसे जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस का होना, मरकरी का यहाँ पर होना और यूरेनस का होना, वो टॉरस जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी और रिश्ते के मामलात में अचानक बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी, बेहतर प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनी वालों के जायचे के 12th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है और मरकरी आपके जायचे के 12th हाउस में ज़रा कमज़ोर होता है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनी हैं तो आपको इस वीक के अंदर अपने हर साथी मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता फुल मून आपके जायचे के 5th हाउस में होने की वजह से आप लोगों के लिए आपकी औलाद के मामलात में जहां पर बेहतरी आती भी नज़र आ रही है, वहां पर आप जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के मामलात में खासी जज्बाती होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जेमिनी वालों को एक बात कहूँगा कि आप फजूल टाइम ज़ाया ना करें, इसलिए कि आप लोगों का जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 12th हाउस में है और इसने 6 अप्रैल को एक नाकिस कंडीशन में होना है, मतलब कि इसने अपनी ताकत को खो देना है। तो इस वीक को तो आपको बड़ा सोच समझ के गुजारना होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता माली तौर पर इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। कैंसेरियन, कैंसेरियन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स है। मार्स फीमेल कैंसेरियन के लिए बहुत ज़्यादा ये आइडियल जगह पर बैठा हुआ है, इसलिए कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स होने की वजह से अगर आपका शादी या रिश्ते में पहले कोई रुकावट चल रही थी तो अब वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आ रही है। अमरीक आपके जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 5th हाउस का हाकिम सितारा है, तो ये आपके जहाँ पर ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आएगा वो
कैंसेरियन जो शादीशुदा हैं, आगे औलाद या तौलाद के मामलों में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और अगर आप किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अब आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अलबत्ता कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर फुल मून जो आपके जायचे के फोर्थ हाउस में होना है, तो घरेलू मामलों में इस वीक के अंदर कोई अहम तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। लियो लियो वालों के जायचे के नाइन्थ हाउस में सन और जुपिटर है। सन को आपके जायचे के नाइन्थ हाउस में इस वीक के अंदर शर्फ होना है। आपका जो हाकिम सितारा इस वीक के अंदर शर्फ की हालत में जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए हर मामला में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर वो लियो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या पहले से मौजूद हैं और सेटल नहीं हो सके, तो उनको वहाँ पर बेहतर चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रूहानी मामलात में भी इस वीक के अंदर लियो वालों के खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और वो लियो फीमेल जिनका निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हो सकी, तो उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा रुखसती के मामलात में। अलबत्ता आपके जायचे के थर्ड हाउस में फुल मून होना है, जहाँ पर रिलेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में जज्बाती होते हुए भी नज़र आएंगे। वहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कमरदर अकरब के अंदर अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा, जो 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। जो भी मामला करें वो सोच समझ के फ़ैसला करिएगा। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। लियो वालों को एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा, आपके जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 10th हाउस में, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। तो माली मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर अगर आपकी प्रमोशन वगैरह कोई ड्यू है, तो इस वीक के अंदर बहुत चांस है आपकी प्रमोशन वगैरह होती हुई नज़र आ रही है। वर्गो वर्गो वालों के जायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर वीनस है, यहीं पर यूरेनस है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है, सिर्फ 2 दिन एक नाकस कंडीशन में रहेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक वर्गो हैं तो अपने 2 दिन ज़रा एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को सर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक वर्गो नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मरकरी जो आपके जायचे के 9th हाउस में आ रहा है, ये जायचे के 1st हाउस और जायचे के 5th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके ज़ाती कामों में बेहतरी लेके आएगा। आला तलीम के मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई कानूनी मसला है, तो उसके अंदर भी आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। फुल मून आपके जायचे के 2nd हाउस में होना है, जिसकी वजह से माली मामलात में आप जहाँ जज्बातीपन दिखाएंगे, वहाँ पर माली लेन देन के मामलात में भी आप बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी शरफ़े शम्स जो आपके जायचे के 8th हाउस में हो रहा है, इधर ही जुपिटर भी है, तो आप लोगों को आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ानदानी विरासत के मामलात के हवाले से बेनिफिट मिलेगा, और घरेलू हवाले से भी आप कोई ना कोई बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वर्गो वालों के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ओवर एज हो गए हैं और आपका रिश्ता नहीं हो सका किसी ना किसी वजह से, रिश्ते या शादी के हवाले से डिले हो रहा था, तो अब रिश्ता और शादी होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मरकरी के साथ सैटर्न की 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल होगी जो इस वीक के अंदर होगी, तो ये नज़र आपको ज़रूर बेनिफिट देके जाएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस के अंदर इस वीक में फुल मून होना है, जिसकी वजह से एक तो आप इस वीक के अंदर बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी तबीयत के अंदर जज्बातीपन आएगा, वहाँ पर आप कामों के हवाले से एक मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि फुर्तीलापन आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। जो पहले काम आप स्लो कर रहे थे, अब वही काम आप देखेंगे कि आप स्पीड से करते हुए नज़र आएंगे। जो भी फैसला लेना होगा, राइट या लेफ्ट, एकदम करते हुए नज़र आएंगे। वैसे तो वीनस आपके जायचे के 8th हाउस में इस वक्त बेहतर हालत में है, इसने अगले वीक में आपके जायचे के 9th हाउस में चले जाना है। लेकिन जायचे के 7th हाउस में सूरज को शर्फ होने की वजह से आपको आपके पार्टनरशिप से भी खासा फ़ायदा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। या अगर आप कहीं पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। पार्टनरशिप के हवाले से भी ऑफ़र आती हुई नज़र आएगी। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई ज़रिया माश नहीं बन पा रहा था कि वो कैसे अप्लाई करें और किस वे में जाएं,
कि उनका काम हो जाए, तो इस वीक के अंदर उनको उनका वे भी मिलता हुआ नज़र आएगा और उनके कामों में आसानियां भी पैदा होती हुई नज़र आएंगी। कमर दर अकरब जो कि 7 अप्रैल को शुरू होगा और 9 अप्रैल को ख़त्म होगा, तो 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक सिर्फ आपको अपने माली मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक है। मरीक इस वक्त बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। ये जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के कामों में बेहतरी भी आ रही है, जो सुस्तपन था वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके जायचे के 6th हाउस के अंदर ही सूरज को शर्फ है, तो काम के हवाले से, जॉब के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर जो स्कॉर्पियो वाले डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, खुफिया अदारों में काम करते हैं, एजेंसीज में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, उनके मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए कुछ ना कुछ जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ स्कॉर्पियो वालों को, इस वीक के अंदर अपने टैक्स के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। टैक्स के मामलात में आपने सोच समझ के फिल करने हैं, या अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं अदा किया तो फ़ौरन अदा कर लें, वरना ये ना हो जाए कि आपको पेनल्टी लग के भी आ सकती है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी ज़रा एहतियात से बरतिएगा। वैसे भी कमर दर अकरब भी है, फुल मून जायचे के 12th हाउस में होना है, जिसकी वजह से घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर करते हुए भी नज़र आएंगे और पुराने मामला को भी सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आएंगे। स्कॉर्पियो वालों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामला में, रोमांस के मामला में ये वीक उनके लिए खासा बेहतर है, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में मरकरी, वीनस और यूरेनस है, ये 3 स्टार्स है और यहीं पर ज़मीनी साया भी है। कई स्कॉर्पियो वालों के लिए कई चीज़ें सामने आके फौरन उनके हाथ से निकल भी जा सकती हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, अगर आपने टाइम पर फैसला नहीं किए तो आप बेहतर अपॉर्चुनिटी खो बैठेंगे। सजिटेरियस, सजिटेरियस वालों के जायचे के 5th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर सूरज है। सूरज जो है इनके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा, और सूरज को जायचे के 5th हाउस में ही शर्फ होना है। लेकिन इस वीक के अंदर एक ख़ास बात है, जिस वक्त सूरज शर्फ की हालत में जाएगा तो जो आपका हाकिम सारा जुपिटर है वो जायचे के 5th हाउस में ही होगा, वो हद इतिसाल में होगा, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपकी लॉटरी खुलती हुई नज़र आ रही है, आपको कहीं ना कहीं से कोई बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपका कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो सेजिटेरियस जिन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी भी मामले में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था और काफ़ी देर हो गई थी, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल सका, तो ये योग बनने की वजह से, ये शर्फ होने की वजह से आपको जो अगले 15 दिन हैं वो किसी ना किसी वजह से ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, इश्क और मशूकी के मामलात में आप पहले बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुके थे, तो अब आपके हक़ में फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि वैसे भी वीनस ने अगले वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस में होना है, लेकिन इस वीक के अंदर जो जायचे के 5th हाउस में योग बन जाना है वो आपको योग ज़रूर फ़ायदा देके जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस वीक के अंदर एक काम करना है, मैं यहाँ पर सजिटेरियस वालों को कहूँगा कि जो भी मामला हो वो खामोशी के साथ तय करें, किसी को अपने मामलात में इन्वॉल्व मत करें, इसलिए कि कमर दर अकरब भी होना है जो आपके जायचे के 12th हाउस में होना है। जायचे के 12th हाउस में जब भी कमर दर अकरब होता है, लोग आपकी लेग पुलिंग के लिए लगे रहते हैं। अगर कोई तरक्की होनी है या किसी ने कोई बात की है कि आपको कोई बेहतर जॉब दे देते हैं और आपने किसी और से बात करनी, तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, लेकिन किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब लेस है, तो ज़रूर करके देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और वैसे भी फुल मून आपके जायचे के 11th हाउस में होना है, तो कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है, लेकिन आपके जायचे के जो 5th हाउस में वीनस है और यहीं पर मरकरी का आना आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं
तो पसंद की शादी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर फीमेल के लिए ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि साइचे के सेवन्थ हाउस में ही मार्स है, कहीं ना कहीं रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। पसंद की शादी के हवाले से फीमेल्स के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और आपके जायचे के फोर्थ हाउस में इस वीक के अंदर शर्फ होना है। जायचे के फोर्थ हाउस में सूरज को शर्फ होने की वजह से घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो भी तब्दीली होगी वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपका जो काम का नतीजा वो आपके हक में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं गड़बड़ नहीं की पहले, तो इस वीक के अंदर कैप्रिकॉन वाले बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि आपके जायचे के नाइन्थ हाउस का हाकिम सारा जायचे के फाइव हाउस में है और यहीं पर वीनस है और यहीं पर यूरेनस है। अचानक किसी ना किसी वजह से आपकी ज़ात को ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो कमर दर अक्रब है, जो कि 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक है, वो टाइम ज़रा आप लोगों को ज़रा एहतियात से गुजारना है। पार्टनरशिप के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के हवाले से आपको ज़रा एहतियात बरतनी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वीक बेहतर ही रहेगा, चाहे आप जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अक्वेरियस, अक्वेरियस वालों के जायचे के सेकंड हाउस में सैटर्न है और यहीं पर नेपच्यून है, लेकिन आपके जायचे के जो थर्ड हाउस में सूरज और जुपिटर है, ये दोनों आपको ज़रूर फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सेंटर में हैं, या अगर आप वकील हैं, जज हैं, टीचर हैं, तो आपकी ज़ात को इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी इस वीक के अंदर जो आपके जायचे के फोर्थ हाउस में वीनस और मरकरी और यूरेनस हैं, ये आपके घरेलू मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएंगे। जो फुल मून है वो जायचे के नाइन्थ हाउस में होना है, जहाँ पर कानूनी मामलात में आप जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे, वहीं पर आपको आपके काम की वजह से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर अक्वेरियस वाले जो बाय बर्थ वीक अक्वेरियस हैं, उनको ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे। अपने घरेलू मामलात में जो भी फ़ैसला करना है, वो सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, तो ये वीक उनके लिए मज़ीद बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पर अक्वेरियस वालों को एक बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपना सदका भी निकाल दीजिएगा, लेकिन अब आपको जो भी काम करना है वो खामोशी से करना है। प्लूटो जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, इस वक्त वो 0 डिग्री और कुछ दकीका के ऊपर ये चल रहा है, तो आप लोगों को अपने काम करते हुए खामोशी इख्तियार करनी है। आप जो भी काम करेंगे वो आपका बेहतर रहेगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप कोई भी सोशल नेटवर्क में हैं, या सोशल मीडिया में हैं, या कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। एजुकेशन के मामलों में भी इस वीक के अंदर आप बेनिफिट उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसिस, पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है और नेपच्यून है। आप लोगों की 60-70 शुरू हुई भी है, कई पाइसिस वाले अपने मामलात में बहुत ज़्यादा परेशानी काट रहे होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर आपकी परेशानियों के अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आपके जायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही शर्फ भी होना है और यहीं पर जुपिटर है, और मरकरी का जायचे के थर्ड हाउस में जाना, जहाँ पर वीनस और यूरेनस होना और यहीं पर रास है, मतलब कि आप लोगों के लिए जो रिलेशन के मामलात में पहले कोई गड़बड़ चल रही थी, वहाँ बेहतरी तो आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो भी मामलात ज़िंदगी के अंदर चल रहे हैं, उनको इसी तरीके से मामलात को चलने दे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि मरकरी का जायचे के थर्ड हाउस में आना, अगर आपने किसी चीज़ को कोई चेंज करने की कोशिश की, या कहीं आपने कहा कि मैं इस चीज़ को इस वक्त रहने देता हूँ और अगली चीज़ स्टार्ट करता हूँ, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। वीनस जो आपके जायचे के थर्ड हाउस का हाकिम सारा, ये आपको बेनिफिट दे के जाएगा। ख़ास तौर पर जो लोग आर्टिस्ट हैं, उनको तो बेनिफिट मिलेगा, या जो लोग फ़न सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट उनको मिलेगा। इस वीक के अंदर जो सूरज को जो शर्फ हो रहा है, आपके जायचे के सेकंड हाउस में शर्फ हो रहा है, तो आपको काम के हवाले से, नौकरी के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और वहीं से आपकी माली पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। सेहत के हवाले से भी जो पाइसिस कमज़ोर थे, सेहत डाउन चल रही थी, उनके लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को ये कहूँगा कि अगर आपके मामलात ख़राब चल रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवा के अपनी रेमेडीज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला
आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाएगी। कमर दर्द अकरब इस वीक के अंदर होना, तो इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में होना है। अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है या आप कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आप ज़रा एहतियात बरतें, ट्रैवल ना करें। इसलिए 9 अप्रैल को 6 बजे शाम को मून जो है वो सजिटेरियस में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।